यूपी की आशाओं और एएनएम को अखिलेश सरकार ने हाईटेक बनाने की तैयारी कर ली है। जच्चा बच्चा की जांच का पूरा रिकॉर्ड अब उनके स्मार्टफोन और टैबलेट में होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने कालिदास आवास पर अपनी एक और महत्वाकांक्षी योजना एम सेहत का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 50 आशाओं को स्मार्टफोन से लैस भी कर दिया। यह परियोजना फिलहाल यूपी के 5 शहरों फैजाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर, कन्नौज और बरेली में शुरू की गई है। आगे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम जितना टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार पीछे छूटता जाएगा। अब एम सेहत दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम लोग लैपटॉप, टैब और स्मार्टफोन की बात करेंगे तो एक तरफ पूरा देश होगा और दूसरी तरफ अकेला उत्तर प्रदेश का नाम होगा। जब मेरे सामने मोबाइल आया और बात आई कि ऐप ये है और ये लॉन्च हो रहा है, इस तरीके से आशाओं को मिलने जा रहा है, तो मेरे साथ जो अधिकारी थे मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ इतना बड़ा डेटा कलेक्शन हो रहा हो, यहाँ जो बैठी हैं आशाएं वो जानती होंगी कि उनको रजिस्टर कितना मोटा मेंटेन करना पड़ता रहा होगा, और ये सहूलियत मिलेगी अब उनके काम काज, उनके काम करने में, और वहीं सरकार को भी निर्णय लेने में आसानी होगी। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें सुपरविजन में और मॉनिटरिंग में करने में आसानी मिलेगी। जहाँ प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, उनके और प्रदेश का हेल्थ इंडिकेटर्स बेटर हो, मैं समझता हूँ एक कड़ी एक कदम और आगे हम लोग बढ़े हैं। जहाँ इतनी योजनाएं प्रदेश सरकार ने इस विभाग में चलाई हैं, वहीं एक और अच्छी योजना चली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई विभाग के मंत्री जी को, सभी अधिकारियों को, जुड़े हुए जितने लोग हैं। वहीं न केवल सरकार को इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि ये भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि किन के इंसेंटिव नहीं मिला है, जानकारी ये भी प्राप्त हो जाएगी। और फिर जब केंद्र सरकार कुछ ही शहरों को स्मार्ट बनाना चाहती हो तो वहीं अगर हमारी आशाओं को स्मार्टफोन मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये काम को आसान करने का जो रास्ता निकाला है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उससे कहीं ना कहीं आसानी भी होगा, भ्रष्टाचार को भी हम लोग कम कर पाएंगे और जानकारी भी हमें मिल जाएगी। इधर यूपी सरकार ने, समाजवादी सरकार ने बहुत फैसले लिए हैं। मैं समझता हूँ ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा सीधा विभाग है। अगर जनता को लगता है कि उनको दवाई मिल जा रही है, स्वास्थ्य बेहतर हो जा रहा है, तो मैं समझता हूँ उसको सरकार को भी लाभ भी मिलेगा और छवि भी बनेगी। अभी कुछ दिन पहले एक प्रदेश में जब चुनाव शुरू होने जा रहा था, देश के सबसे बड़े नेता ने इस बात को कहा कि पीएससी कितने खुले, सीएससी कितने खुले। अगर वो गिनती उत्तर प्रदेश में कभी होगी चुनाव के समय पर, तो मैं समझता हूँ गिनती में वो पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर चीज में बहुत आगे हम लोग गए। और अगर मोबाइल की गिनती होगी, टैबलेट की गिनती होगी और लैपटॉप की गिनती होगी, तो उन्हें सोचना पड़ेगा एक तरफ देश और दूसरी तरफ केवल उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, मंत्री शंखलाल मांझी, नितिन अग्रवाल और राजेंद्र चौधरी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार और प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल भी मौजूद थे। तहलका न्यूज़, लखनऊ। प्रजनन को रोकने की